हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की सीरीज में मैं अगला वीडियो लेकर आया हूँ। ये मध्य प्रदेश का जिले बड़वानी के ऊपर है और बड़वानी जिले का इसमें पूरा विश्लेषण होगा और बड़वानी जिले के बारे में पूरी जानकारी होगी और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जो भी एग्जाम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का MPPSC का एग्जाम हो या मध्य प्रदेश के व्यापम के अन्य एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, उसमें मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है और मध्य प्रदेश के जिले में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के ये जिलों के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ और इससे पहले भी जो वीडियो बना चुका हूँ उनके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज़ को भी पूरा देखें और मध्य प्रदेश की जानकारी आपको पूरी मिलेगी उसमें। और इसमें आपको अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश के जिले के बारे में, आप बेझिझक कमेंट्स के माध्यम से वो पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब अवश्य दूंगा। और मेरे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें और सबसे ज़्यादा आप इसको फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी इस वीडियोस को देख पाएं। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के जो बड़वानी जिला है इसका वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको आप अंत तक पूरा ज़रूर देखें। बड़वानी जिला, ये पहला पॉइंट ले लेते हैं। बड़वानी जिले का क्या है? बड़वानी जिला दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जैसे कि मैं मानचित्र में आपको बता सकता हूँ ये पश्चिम है और ये है दक्षिण, ठीक है ना। तो दक्षिण और पश्चिम में स्थित है यहाँ पर, तो ये है बड़वानी जिला, ठीक है ना। तो जिस तरीके से पॉइंट में दिया हुआ है, बड़वानी जिला दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ी और विंध्य वनों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है? ये पूरी की पूरी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाली, ये पूरी। और यहाँ से और क्या, विंध्य वन कहाँ है? विंध्य वन ये ऊपर में, ये विंध्याचल की पहाड़ी है पूरी और विंध्याचल के वन और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये बड़वानी, ठीक है। और ये क्या है, जिला नर्मदा नदी है उसके तट पर है। तो नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से बहती है, कुछ इस तरीके से यहाँ से यूं करके यूँ खंबात की गाड़ी में जाके गिरती है, महाराष्ट्र निकलती हुई, गुजरात से निकलती हुई, माफ़ कीजिएगा। तो इस तरीके से ये जो बड़वानी जिला है ये नर्मदा के तट पर स्थित है। आइए अगला पॉइंट लेते हैं बड़वानी जिले के ऊपर। बड़वानी जिले की जो नाम की उत्पत्ति हुई है, ये बड़वन से हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर जो बड़ के वृक्ष हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते थे और पूरे वन के वन यहाँ पर प्राप्त होते थे, पूरा वन के रूप में थे यहाँ पर बड़ के वृक्ष। तो इस कारण से इसका नाम बड़वानी रखा गया, बड़वानी यानी कि बड़ के वन के नाम से ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर थे और यहाँ पर वड़ के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते थे ना। पूर्व में इस स्थान पर वड़ के वन थे, ठीक है ना, और उससे पूरा का पूरा ये स्थान, ये पूरी की पूरा जो क्षेत्र है उस वड़ के वन से घिरा हुआ था, इस कारण से इसका नाम बड़वानी रखा गया। आइए बड़वानी जिले के बारे में पूछ लेते हैं। बड़वानी जिले का जो मुख्यालय है वो बड़वानी में ही स्थित, और बड़वानी जिले का संभाग, जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये इंदौर संभाग में आता है। इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं, उसी में से एक है बड़वानी जिला। बड़वानी जिले का क्षेत्रफल कितना है? इसका है 5,427 वर्ग किलोमीटर। 5,427 वर्ग किलोमीटर में बड़वानी जिला फैला हुआ है। जैसे कि मानचित्र में आप देख रहे हैं, ये बड़वानी जिला है और बड़वानी जिले में ये अलग अलग कलर से जो दिए हुए हैं, ये सारी इसकी तहसीलें हैं, तो इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। बड़वानी जिले के ऊपर में कौन सा जिला है? धार जिला है। और इसके ये ऊपर में यानी कि पश्चिम उत्तर दिशा में कौन सा है? धार जिला है। इसी तरीके से जो पूर्व में जिला है वो है खरगोन, और ये खरगोन जिले से ही अलग होके बड़वानी जिला अस्तित्व में आया था। और दक्षिण में दूसरा राज्य है वो है महाराष्ट्र। और इसी तरीके से जो ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर में वैसे लगा नहीं है, यहाँ पे अलराजपुर है, यहाँ पे छोटा सा ये अलराजपुर है, जो अलराजपुर की थोड़ी सी बॉर्डर यहाँ से छेती छूती है। बड़वानी जिले का लिंगानुपात कितना है? 982 महिलाएँ 1,000 पुरुष के ऊपर, ठीक है ना, 1,000 पुरुष और 982 महिलाएँ, ये बड़वानी जिले का लिंगानुपात है। बड़वानी जिले का जनघनत्व कितना है? 255। 1 वर्ग किलोमीटर में 255 की आबादी यहाँ पर रहती है, ठीक है ना, एक वर्ग किलोमीटर में 255 व्यक्ति निवास करते हैं। आइए अब साक्षरता के बारे में जान लेते हैं। बड़वानी जिले की जो साक्षरता वो कितनी है? 49.1%, यानी कि 100% जो लिटरेसी होती है उसमें से 49.1% यहाँ पर साक्षर है, यानी कि बड़वानी जिले के आधी आबादी साक्षर है, ठीक है ना, 49.1% व्यक्ति यहाँ पे साक्षर है। आइए अब जान लेते हैं तहसीलें। बड़वानी जिले में तहसीलें कितनी हैं? बड़वानी जिले में 9 तहसीलें हैं, देखिए इस तरीके से है, बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, ठीक है ना, और क्या, पानसेमल, सेंधवा, निवाली, अंजड, पाटी और बरला, इस तरीके से 9 तहसीलें गिन लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5,
पाँच छः सात आठ और ये नौ, ठीक है ना। ये नौ तहसीलें हैं जो कि बड़वानी जिले में हैं। आइए अब जान लेते हैं विकासखंड के बारे में। बड़वानी जिले में कितने विकासखंड हैं? बड़वानी है, ठीकरी है, राजपुर, पानसेमल, सेंधवा, निवाली, अंजड़ और पाटी। इस तरीके से यहाँ पर नौ तहसीलें थीं और आठ विकासखंड में इनको बांटा गया है बड़वानी जिले में। आइए बड़वानी जिले के अन्य तथ्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी के बारे में मैंने इसमें जानकारी दी है। पहला पॉइंट लेते हैं, बड़वानी जिला कपास उत्पादक तथा कपास की मंडी दोनों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कपास का उत्पादन भी किया जाता है और कपास की मंडी भी यहीं पे लगाई जाती है बड़वानी जिले में, तो इन दोनों के लिए ये जाना जाता है और दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। ये कौन कौन क्या कपास के का उत्पादन भी किया जाता है यहाँ पर और कपास की मंडी भी यहीं पर लगाई जाती है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। धान अनुसंधान केंद्र यानी कि चावल का जो अनुसंधान केंद्र है वो प्रदेश का वो कहाँ पर है? वो इसी जिले में है, बड़वानी जिले में। इम्पॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, मध्य प्रदेश के MPPSC में पूछा गया है और अन्य एग्जाम जैसे पटवारी पिछले वर्ष हुआ था, पिछली दफ़ा जो हुआ था 2018 में ही हुआ था, जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुसंधान केंद्र कहाँ है धान का प्रदेश का, तो वह है बड़वानी जिले में। तो जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ बड़वानी जिले के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको रट लीजिएगा और बार बार इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरे रट जाएंगे। और यहाँ पर कोई भी डाउट आपको बनता है दिमाग में उनको आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। आइए अगला पॉइंट लेते हैं, बड़वानी जिला के सेंधवा, ठीक है ना, सेंधवा नगर कपास उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि सेंधवा जो नगर है, ठीक है ना, ये सेंधवा नगर यानी कि सेंधवा तहसील, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कपास यहीं पे उत्पादन किया जाता है। यहाँ की जो जमीन की भूमि है, भूमि की जो मिट्टी है वो काली यानी कि काली मिट्टी की उत्पादन ज़्यादा होता है। कपास की जो खेती है काली मिट्टी में की जाती है, एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? सबसे ज़्यादा काली मिट्टी, यहाँ पे काली मिट्टी की अधिकता होती है, वहाँ पे कपास की खेती होती है, तो बड़वानी में कपास की मिट्टी की अधिकता ज़्यादा है और सेंधवा जो तहसील है वहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, तो इसलिए वहाँ पे कपास का उत्पादन अधिक होता है और वहाँ पे इसलिए ये कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आइए अगला पॉइंट लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो आंकड़े हैं, बड़वानी जिला प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बड़वानी प्रदेश का दूसरा अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रदेश का तीसरा जिला है, ठीक है ना। इससे पहले दो जिले हैं जो कि प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा अधिक हैं अनुसूचित जनजाति के मामले में। सबसे पहला जिला कौन सा है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के मामले में अधिक है? वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर में जो प्रतिशत है वो कितना है? वो है 89% अनुसूचित जनजाति यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद में ये पहला जिला है। और दूसरा जिला कौन सा है? दूसरा है झाबुआ जिला। झाबुआ जो जिला है वहाँ पर निवास करती है 87% जो अनुसूचित जनजाति है वो यहाँ पर निवास करती है। उसके बाद में तीसरा स्थान आता है बड़वानी का, ठीक है ना। तो बड़वानी प्रतिशत के मामले में तीसरा स्थान लेता है जो कि 69.4% अनुसूचित जनजाति रहती है। लेकिन अगर इसको जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये पहला जिला है, ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। आइए फटाफट अगला पॉइंट ले लेते हैं, बावन गजा। बावन गजा के नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बावन गजा क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ये भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची मूर्ति है, ठीक है। भगवान आदिनाथ जो कि जैन धर्म के धर्म में माने जाते हैं, भगवान आदिनाथ उनके यहाँ पर 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थित है, ठीक है ना। और इसका निर्माण कब करवाया था? 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। और इस मूर्ति को बावन गजा होने के कारण इस स्थान का नाम बावन गज, यानी कि बावन गज की ये मूर्ति है, इस कारण से इसका स्थान का नाम बावन गज रखा गया, ठीक है। बावन गजा इसलिए इसका इस स्थान का नाम बावन गजा रखा गया। और प्रति 12 वर्ष में, ठीक है ना, प्रति 12 वर्ष में यहाँ पर श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटका में स्थित है उसके तर्ज पर यहाँ पर मस्तिष्क का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। हर 12 वर्ष में यहाँ पर श्रवण बेलगोला में जिस तरीके से मस्तिष्क का अभिषेक किया जाता है भगवान आदिनाथ का, वहाँ पर भी मूर्ति है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हर 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है और इसका अभिषेक किया जाता है। और ये
बड़वानी में ही स्थित है, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बावन गजा मूर्ति किस जिले में है, तो वो है बड़वानी जिले में, और ये 72 फीट ऊंची है, और ये भगवान आदिनाथ की मूर्ति की यहाँ पे स्थापना की गई थी 15वीं शताब्दी में। आइए अगला पॉइंट लेते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके जो सेनानी थे भीमा नायक, ठीक है ना, ये बड़वानी से ही थे, भीमा नायक जिन्होंने की यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी 1857 में, वो बड़वानी से थे, और ये बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव के थे, और ये गरीबों का हमेशा भला किया इन्होंने। जो वहाँ के जो अमीर रजवाड़े थे उनको लूट लूट के उनका धन लाते थे और गरीबों में ये बांटते थे, और ये 1857 के एक सेनानी थे जो कि बड़वानी के ही जिले से आते थे। आइए फटाफट महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जान लेते हैं बड़वानी में कौन कौन से हैं। जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं यहाँ पर बावन गजा, ठीक है ना, जो कि मैंने पहले आपको कवर कर चुका हूँ, बावन गजा जो कि भगवान आदिनाथ की मूर्ति है 72 फीट ऊंची, वो बड़वानी में ही स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे हर प्रति 12 वर्ष में श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटका में स्थित है उसके तर्ज पर यहाँ पे मस्तक का अभिषेक भी किया जाता है, ठीक है ना, उसका आयोजन होता है। इसी तरीके से सेंधवा का किला यहाँ पर, ठीक है ना, सेंधवा तहसील में उसका किला यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी, एग्जाम में भी पूछा जाता है। राजघाट, ठीक है ना, नंगलवाड़ी और सागा विकास पैलेस, ठीक है ना, ये सब, और भवरगढ़ का किला, ये सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि बड़वानी जिले में स्थित हैं और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, बार बार याद दोहराएंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था बड़वानी जिला जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अगर बड़वानी जिले के ऊपर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब में आप शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य आपके सर्किल के लोग इसको देख पाएँ और इससे अधिक से अधिक बड़वानी जिले के बारे में जानकारी ले पाएँ। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश के जो अन्य जिले हैं उनकी वीडियो भी मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूं और उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे कि आप उन वीडियो को भी देख पाएंगे और मध्य प्रदेश के सारे जिलों के बारे में जानकारी तथ्यपूर्ण और उसका विश्लेषण आप इसी तरीके से देख पाएंगे। कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन क्वेश्चन के मैं पूरे जवाब दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।